बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू के कठुआ में आतंकियों ने कई राउंड की फायरिंग की है। इसमें एक शख्स घायल हो गया और फायरिंग के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया गया था और अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। कई राउंड की फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है। फायरिंग के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। वो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला, कई राउंड की फायरिंग और उसके बाद फरार हो गए हैं आतंकी। और अब भोपाल से बड़ा प्रशासनिक अपडेट आपको बता दें। राजेश राजौरा बन गए हैं सीएम के अपर मुख्य सचिव। संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। दोनों को वर्तमान कार्य के साथ साथ ये अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। जो जिम्मेदारी अभी है उसके साथ साथ ये काम भी अतिरिक्त संभालना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है। आइए, संजय शुक्ला को भी वर्तमान दायित्व के अलावा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का चार्ज दिया गया है। इधर बलौदाबाजार बवाल पर एक्शन में है सरकार। सीएम आवास में समाज प्रमुखों की बैठक हुई और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। नुकसान की भरपाई पर जल्द फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री के नाम पर बोले, जांच में दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था पर यह बयान आया, प्रशासनिक लचर व्यवस्था की भी जांच होगी। जितना भी समाज के बहुत से प्रमुख सब माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और मसला ऐसा था कि जो मांग हुई थी न्यायिक जांच की, वो न्यायिक जांच की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्णय कर दिया था। 9 तारीख को उसकी घोषणा हो गई थी और घोषणा होने के बाद कोई कार्यक्रम मतलब इस स्वरूप में आंदोलनात्मक नहीं होना था, ये सब उन्होंने बताया भी। और ये बताया भी कि मंच से भी उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहा था। उन्होंने कहा कि जो कुछ घटना हुई थी वो अभी जो 10 तारीख को घटना हुई निंदनीय है, यह कहा। यह भी कहा कि उसमें प्रशासन का ध्यान रहे, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना हो, साथ ही साथ जो गुनहगार है उनको अवश्य सजा हो, आदि आदि बातें। खबर रीवा से, जहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। भैंस चरा रही लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया गया है। 3 लोगों पर इस नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं और लड़की को गोली मार देने की धमकी इन्होंने दी। तीनों पर मामला दर्ज हो गया है। तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक कामयाबी नहीं मिली है। इधर पन्ना जिले में आपसी विवाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही मामला सिमरिया थाने के मोहंद्रा चौकी के रामपुरा में देखने को मिला। आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। किसी ने इस घटना का लाइव वीडियो भी बना लिया। घटना में दोनों ही पक्षों के लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है और अब पूछताछ की जा रही है। पर आए थे एसपी ऑफिस में शिकायत करने के लिए और उनके द्वारा अपना आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना होना बताया गया है। थाने पर भी इस बाबत जो है वो कायमी हुई है और जो दूसरा पक्ष है, मतलब क्रॉस कायमी है, दोनों ही पक्षों के अगेंस्ट में मारपीट के मुकदमे कायम हुए हैं। पुलिस अभी इसमें जाँच कर रही है। दोनों पक्षों के मेडिकल भी कराए गए हैं और अब जो भी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।